फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? जो आज हम वीडियो बनाएंगे, ये वीडियो रिलेटेड इन्फॉर्मेशन लेंगे वो है डॉग में से जो बॉडी ऑडर आता है, मतलब एक स्मेल होता है अजीब तरीके से, उसके रिलेटेड बात करेंगे। ये मेरा यूट्यूब चैनल है दुर्गा पेट्स के नाम से। प्लीज़ ये वीडियो ना जितने हो सके मैक्सिमम लोगों तक पहुँचाइए। और मुझे चैनल अपना ग्रो करना है। सिर्फ हर चीज़ होता है कि इतना इन्फॉर्मेशन वीडियो में डाल चुकी हूँ, आपने देखा रहेगा तो आपको पता रहेगा। हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है हम लोग आप तक पहुँचाते रहते हैं, किस थ्रू है, कौन सा वीडियो में, डॉग में। जैसे एक बोल सकते कि आपने लिया है या बॉर्न होने से लेके उसका लास्ट, मतलब आपके साथ जब तक है वो तब तक का पूरा डिटेल कैसा रखना है, क्या रखना है, कौन सा इन्फॉर्मेशन, किस वजह से ये वीडियो हम बना रहे हैं। तो प्लीज़ जितना हो सके रिक्वेस्ट करूँगी मैं आपको, मेरा ये वीडियो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बहुत सारे लोगों तक पहुँचाइए। और पहला बात, जो थंबनेल है या फिर उस पर भी आप, मैं मेंशन कर रही हूँ कैसा है वीडियो है, क्या है, जितना हो सके इन्फॉर्मेटिव वीडियो देने का कोशिश करूँगी। प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। अभी जैसे ये वीडियो में मैंने बोला आपको कि बॉडी ऑर्डर क्या है, जैसे कि कोई भी डॉग है, आप बोलोगे पपी में तो इतना वो स्मेल नहीं आता, फिर भी आता है, जैसे लॉन्ग हेयर डॉग में आता है, वैसा ही एक शिद्दू जैसा ब्रीड है या फिर जर्मन शेफर्ड जैसा ब्रीड है, कभी कभी पग जैसा, इनमें आपको ज़्यादा स्मेल आएगा। क्योंकि क्या होता है, जो स्किन लेयर है, स्किन का जो टाइप है, उसमें क्या होता है, हम लोग जैसे पपी लाए आपने तो कोई डॉक्टर बोलता है 3 महीने तक मत उसको बात दो, बट आप डॉक्टर को बोल दो तो वो ड्राई बात तो बोल ही देता है, बट कुछ लोग हैं बिल्कुल भी बात नहीं डालते, उस वजह से पहली बार पपीज़ में स्मेल आता है। तो वो भी याद रखिए, आपको नहीं हो रहा है घर पर करना, ड्राई बात से कर दीजिए, वो बेस्ट रहेगा। वो बात नहीं है, सिर्फ उसको लगा के वो रफ करना है आपने, नहीं हो रहा है आप किसी भी ग्रूमिंग सलून में जाइए, वहाँ पे जाके आप उसको क्लीन कर लेंगे ना, तो वो भी क्लीन करके, ईयर क्लीनिंग नेसेसरी होता है बहुत सारा। बॉडी ऑर्डर में क्या क्या आता है वो भी मैं आपको बताती हूँ। पहली बात आता है ईयर क्लीनिंग आता है, उसका मुंह से भी स्मेल आता है, बॉडी से स्मेल आता है, बहुत सारे गैसेस वो पासिस करता है। उसमें क्या होता है, आप कभी भी देखिए, मैंने इतने सारे देखा है, मैक्सिमम ये जो मैं ब्रीड बोल रही हूँ उसमें ज़्यादा स्मेल आता है। और किस वजह से क्या है हम बात करेंगे। कुछ लोग हैं जो घर का फूड जैसे चपाती दे रहे हैं या फिर कुछ सब्जी जैसा जो उनको डाइजेस्ट नहीं हुआ है, ऐसा अगर आप उनको इंटेक्ट में दोगे तो वो डाइजेस्ट नहीं होगा, तो वो जो है ना पूरा गैसेस वगैरह पेट में बनेगा और उस वजह से बॉडी से वो स्मेल आना स्टार्ट हो जाएगा। ये बेसिक है, डीवॉर्म किया है कि नहीं वो भी देख लीजिए। और बहुत सारे चेंजेस हैं हमारे थ्रू हो जाते हैं, तो उस वजह से। अभी परसों ही मेरे पास एक डॉग है, मेरा मतलब अपना नहीं है, कस्टमर का डॉग है, जॉय है, बट उसका एज हो चुका है, 7-8 साल का है, उससे बॉडी से स्मेल आता है। अब उसका रीज़न मैं आपको बताती हूँ। अभी बारिश है, बारिश में अगर आपका डॉग बाहर जा रहा है और उसमें बॉडी में उसको प्रॉपर आप ड्राई नहीं कर रहे तो वो स्मेल आ सकता है। आप फूड क्या दे रहे हो उस पर भी डिपेंड है। कभी भी याद रखिए, कोई भी चेंजेस आप अगर देखोगे हमारे, तो कुछ ना कुछ चेंजेस आप बोलोगे नहीं नहीं हमने कुछ किए, नहीं होता है। मैं हर एक को बोलती हूँ, बिना चेंजेस किसी चीज़ में, कुछ भी चेंजेस हुए बगैर बॉडी में या फिर उस डॉग में कुछ चेंजेस किए बगैर कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगा। कभी भी याद रखिए, ये इतने साल का मेरा एक्सपीरियंस बोलता है। तो पहली बात, आपको उसको प्रॉपर डीवॉर्म कीजिए। दूसरी बात, उसको जो फूड आप इंटेक में दे रहे हो तो प्रॉपर, मैं देखो मैं कोशिश बोल रही हूँ, कुछ लोग हैं बोलते हैं कि हमें नहीं हो, हमारा डॉग फूड ये नहीं हो रहा, बट आप कभी भी याद रहे बेसिक वाला का हुई ना, बट आप उसको डॉग फूड दीजिए तो उसमें जो देखो कुछ मल्टीविटामिन अलग से जा रहा है वो अलग बात है, बट उसके वजह से ना बॉडी से जो स्मेल आएगा वो कम हो जाएगा, नहीं के बराबर ही हो जाएगा। जो शैम्पू आप यूज़ कर रहे हो, कोई भी लोकल शैम्पू यूज़ मत कीजिए अच्छे ब्रांड का, क्योंकि शैम्पू जैसे कोई भी आप ले रहे हो तो वो बहुत दिन चलता है। आप एक बार, ये मंथली कॉस्ट नहीं है, ये जो कॉस्ट है आपका 3-4 महीने का है। तो ये सब प्रोडक्ट आपके लिए बहुत ज़रूरी है, उनका फूड अच्छा होना ज़रूरी है, उनका डीवॉर्मिंग होना अच्छा ज़रूरी है, प्लस उनका जो शैम्पू जो यूज़ कर रहे हो वो बहुत नेसेसरी है। उसके बाद आप उसके लिए, मैं अभी बहुत सारे डॉग हैं जिनका यूरिन से स्मेल आता है, वो भी बॉडी पर इंटैक करता है। कभी भी याद रख, मैं देख रही हूँ कि बॉडी से स्मेल आ रहा है, क्योंकि 4-5 दिन में अगर कोई ग्रूमिंग सलून है मेरा, कोई 4 दिन में बात डाल के जा रहा है, वापस से स्मेल क्यों आ रहा है? आप कभी भी उसमें कुछ तो ऐसा प्रोडक्ट दे रहे हैं। अभी कुछ मेरे पास आते हैं जिनको वो लोग सिर्फ लीवर देते हैं या फिर कुछ चिकन जैसा,
बट उससे उस बॉडी उस जो डॉग है उसको जो चाहिए वो मिल नहीं रहा है। आप कभी भी किस वजह से क्या हो रहा है आपको भी याद, अभी जैसे कुछ है, कुछ लोग बोलते हैं नहीं हमारे यहाँ पे स्किन इन्फेक्शन हो गया, ये उसका ही रीज़न है। कभी कभी जो बॉडी में, जैसे बॉडी पे ना हर एक, जैसे हमारे भी अच्छे बैक्टीरिया भी होते हैं और बैड बैक्टीरिया भी होते हैं, तो वही है डॉग का भी सेम है, अच्छे बैक्टीरिया है बैड बैक्टीरिया है, अच्छे बैक्टीरिया और बैड बैक्टीरिया। कभी बैड बैक्टीरिया अगर ज़्यादा ग्रो कर गया, पूरा इन्फेक्शन जैसा हो गया, तो उससे भी स्मेल आना स्टार्ट हो जाएगा। तो हमें वो चीज़ का केयर करना है, प्रॉपर उसको क्लीन रखना है। डॉग लिया है उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि हम हमारा जैसे क्लीन रख रहे हैं बॉडी स्किन या फिर हर चीज, डॉग का भी वैसा ही चीज़ें होता है। तो और ये और बहुत सारी बातें हैं कि बट ये मेन है मॉइस्चर और बैक्टीरिया की वजह से बॉडी से स्मेल आएगा। अगर उसको क्लीन नहीं रखोगे तो भी प्रॉब्लम आपको आ सकता है। तो मैं आपको शुरुआत से बात करूँगी कौन सा चीज़ें हैं, एक बार वापस बता रही हूँ। पहला है आपके उसको जो है वो प्रॉपर डीवर्म होना चाहिए, उसके बाद उसका जो फूड है, फूड इंटेक है वो प्रॉपर होना चाहिए, उसका जो टाइम टेबल है उसमें भी कभी भी याद रखिए। क्या होता है गैसेस बॉडी में बढ़ रहा है, वो किस तरीके से, क्योंकि बॉडी ऑर्डर मतलब क्या है, आप बॉडी में जो अंदर है वही बाहर आ रहा है ऑर्डर के थ्रू, तो उससे वही से जो उनको टाइम टेबल है कुछ चेंजेस आपने किया है तो वहाँ पर भी आपको फ़र्क देखने को मिल सकता है। ये सब चेंजेस अगर बॉडी में उनके हो रहा है तो स्मेल आता है, यूरिन का स्मेल। आप उनको जो चीज़ें दे रहे हो मैक्सिमम चिकन और उसको डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, तो यूरिन की वजह से उसमें, और कभी कभी वो यूरिन में किडनी स्टोन की वजह से भी स्मेल आता है। मतलब ये जो पार्ट है जो एक हम बोल सकते हैं ना, ये तो ये इंद्रिय है, जैसे अपना नाक कान और ये सब हुआ है वैसा ही डॉग का है। बॉडी आया उसमें, उनका आँख आया। तो मैं बताती हूँ चेंजेस क्या हो सकता है। बॉडी में से बैड आ रहा है स्मेल, उसके बाद कान में से स्मेल आ रहा है, आँख में से खराब पानी से या कुछ ये हो रहा है, यूरिन में से हो रहा है या पॉटी में से, यहाँ से जो बॉडी है बाहर फेंक रही है जो भी चीज़ें जो उसके लिए नहीं सही है, या फिर पॉटी थ्रू जा रहा है किसी, वो क्यों बाहर फेंक रही है उस पर काम कीजिए, या फिर वो देखिए। ये आपको समझ में आएगा मैं क्या बोल रही हूँ करके, क्योंकि अगर आपकी बॉडी में ये सब चीज़ें हैं और उस वजह से प्रॉब्लम उन डॉग में आ रहा है, डॉग के तो वहाँ पे ये सब बाहर आ रहा है और उस वजह से बाकी की चीज़ें हो रही हैं। तो ये जो वीडियो है प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए।